तो कैसे हो भाई साहब? मैं मिराज, आप सभी लोग देख रहे हैं टेकी भाई साहब। आज हम बात करेंगे कि आप विलेज एरिया में कैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हो अगर आपका घर सिटी से 10, 20, 30 या फिर कितना भी डिस्टेंस पे है, और वैसे में आप एक लेना चाहते हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जहां पर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाए और आपको सुपर फास्ट इंटरनेट मिल जाए। तो वैसे में हम यहां पर कैसे लेंगे? आपने भी बहुत सारे तरीके आजमाए होंगे लेकिन रिजल्ट वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। आज मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूं, मतलब इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का पूरा पूरी तरीका मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि मुझे यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा और मैंने एक इम्पॉसिबल काम को कैसे पॉसिबल करके दिखाया। तो ऐसे में आप अधिक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो, और अगर आप आज का वीडियो आखिर तक देख लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह देता हूँ कि इसके बाद आपका भी घर पे आराम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाएगा, चाहे आप शहर से कितनी भी दूर रहते हो। तो ऐसे में आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो। चैनल पर अगर नए हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक ऐसे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहे। सो गाइस, मैं एक ऐसा जगह में रहता हूं जहां पर इंटरनेट का जो नॉर्मल इंटरनेट का स्पीड है वो भी बहुत कम आता है। हमारे पास जियो के अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। एयरटेल का नेटवर्क सभी जगहों में नहीं रहता है और इवन जियो का भी नेटवर्क घर के अंदर से उतना अच्छा नहीं चलता है। मैं पहले जब भी वीडियो वगैरह अपलोड करता था तो एक हमारा एक प्लेस हुआ करता था जहां पर मैं अपना फ़ोन को रख देता था और वहां से थोड़ी बहुत अच्छी स्पीड 400 kbps, 500 kbps की अपलोड स्पीड में वीडियो अपलोड होता था। तो ऐसे में मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था, प्लस इंटरनेट की वजह से मैं नए नए काम को यहाँ पर नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में मुझे बहुत टाइम से तलाश थी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, और मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट करा, स्पेशली जियो को बोला कि भाई साहब लगवा दो। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके एरिया में हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। एयरटेल वाले का भी सेम कहना था। फिर मैंने BSNL से भी कॉन्टैक्ट करा क्योंकि BSNL वाले एयर फाइबर प्रोवाइड करते हैं कि आपका घर अगर दूर में है तो वहाँ पर वो एयर फाइबर दे देते हैं, लेकिन हमारे एरिया में BSNL एयर फाइबर भी हमें नहीं मिल सका। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हम ले तो कैसे ले एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन? अब देखो क्या होता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर आप शहर में रहते हो तो आपको फाइबर के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन मिल जाता है और आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। थोड़े बहुत यहाँ पर पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी फाइबर कनेक्शन लेने का ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे पता चला P2P कनेक्शन के बारे में, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बारे में। जैसा BSNL एयर फाइबर में होता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में भी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि बहुत से लोगों से पहले कॉन्टैक्ट करा तो मुझे यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मुझे पॉइंट टू पॉइंट के बारे में पता चला, बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं, मतलब इसके थ्रू से इंटरनेट चला रहे हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो लोकल जो वेंडर्स हैं, यानी कि जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, मैंने उनसे बात करी, क्या आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू से यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, उसके लिए आप अपना लोकेशन भेजो। तो मैंने उनसे बात करी डिटेल में, अपना काम वगैरह सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवा के दूंगा, यानी कि चालू करके दूंगा। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ पर हमारा काम नहीं बनता। तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने उनको अपना लोकेशन शेयर करा। अब देखो मेरा जो डिस्टेंस है सिटी से वो नियर अबाउट 25 किलोमीटर है, लेकिन बाय एयर जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 14 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लोकेशन शेयर करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको करीब करीब 20 मीटर्स हाइट पर एक डिवाइस को लगवाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता क्या है। अब ये होता यूँ है कि जहाँ से वो लोग कनेक्शन देते हैं वो लोग अपने टावर में एक डिवाइस लगाते हैं, या फिर कह लो एक्सेस पॉइंट डिवाइस लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो वो अपने टावर से क्या करते हैं, कनेक्शन को रिलीज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे घर पर एक डिवाइस लगा हुआ होता है जिसको एक पर्टिकुलर हाइट पर रखना होता है। अगर आप उस हाइट पर रखोगे तो आपका वहाँ पर कनेक्शन रिसीव होगा और उसके थ्रू से आपका इंटरनेट चलेगा। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि सभी लोगों के घर में एक लंबा सा पाइप लगता है 20 फीट 30 फीट का, और वहाँ से उनका डिवाइस लगा के काम चल जाता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ।
पाइप के थ्रू से यहाँ पर कनेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप पाइप के थ्रू से लगाओगे तो ये नहीं चलेगा, हवा के वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा जो हाइट था, रिक्वायर्ड हाइट था, वो बहुत ज़्यादा था, जिसको बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता। तो ऐसे में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक छोटा सा टावर बनवाना पड़ेगा या फिर टावर खरीदना पड़ेगा। तो मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, तो ऐसे में मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर रिसर्च करा कि टावर बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो मुझे पता चला बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, जो लोकल वेल्डिंग शॉप वाले होते हैं हम उनसे इजीली बनवा सकते हैं। तो मैंने वहाँ से टावर बनवा लिया, मेरा करीब करीब 18 से 20 हज़ार रुपये टावर बनवाने में खर्च हुआ, जो कि मैंने 50 फीट का टावर यहाँ पर बनवाया और मैंने जिस घर पे लगवाया है उसका हाइट ज़मीन से करीब 12-13 फीट होगा। तो वैसे में मुझे जो टोटल हाइट मिला वो नियर अबाउट 62-63 फीट का यहाँ पर मिल चुका था। तो जैसे में रिक्वायर्ड जो भी था वो हाइट मुझे मिल चुका था, तो मैंने टावर बनवाया। उसके बाद वो लोग आए हमारे घर पे, डिवाइस को लगाए, मतलब टावर में डिवाइस को लगाए, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, सिग्नल वहाँ से हमें नहीं मिल सका। फिर उन्होंने कहा कि आप उस पर और एक पाइप जोड़ो, लेकिन पाइप जोड़ने के बावजूद नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवाई, यार सच बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हमने डिवाइस को यहाँ पर चेंज करा और पाइप को हटाने के बाद ही नॉर्मली हमारा कनेक्शन आ चुका था। अब देखो, आप भी ऐसे ही ले सकते हो, आप लोकल जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ब्रॉडबैंड वाले, उनसे बात करो कि आप हमें यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे दो। अगर वो मना करते हैं तो आप इंटरनेट पे रिसर्च करके खुद से भी ये काम कर सकते हो। अगर उनके पास खुद का टावर वगैरह है या फिर वैसा कहीं पर आप लगा सकते हो डिवाइस को, तो आप खुद से वहाँ से कनेक्शन को रिलीज कर सकते हो और आप अपने एरिया में यहाँ पर कनेक्शन को ले सकते हो और उनका जो भी मंथली प्लान वगैरह होगा उसके थ्रू से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो लोग देते हैं उनसे बात करना है। दूसरा काम, आपके एरिया में आपके घर पे कितना हाइट चाहिए इसको आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि नॉर्मल पाइप से आपका काम हो जा रहा है या फिर आपको टावर बनवाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपका ज़रूरत है तो 30 से 35 हज़ार के बीच आपका पूरा पूरी काम यहाँ पर बन जाएगा। और जो डिवाइस टावर्स में लगते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। जो पहले लगा था वो था माइक्रोटिक का डिवाइस, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अभी जो लगा हुआ ये करीबन 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच एक डिवाइस आता है। तो करीब करीब दो डिवाइस का 15 हज़ार मैक्स टू मैक्स सोच लो, सारा चीज़ लेकर और बाकी टावर का लगभग लगभग टोटल खर्चा 35 हज़ार में आपका हो जाने वाला है। तो पहले आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडर से बात करो और दूसरा उसके बाद अपना हाइट को एस्टिमेट कर लो, उसके बाद या तो टावर बनवा लो या फिर अगर आपका पाइप से काम चल रहा है तो पाइप से वहां पर ले लो। आपका घर कितना भी दूर है उसके अकॉर्डिंग आपका डिवाइस लग जाएगा। अगर आपका मानो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाय एयर है तो उसके लिए बड़ा सा डिवाइस लगेगा, लेकिन आपका कनेक्शन हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ सकता है, अदरवाइज अगर आप चाहोगे तो इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाएगा। और इतना सब करने के बाद हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही हो चुका है और बड़े आराम से हम अपने सारे काम को अंजाम दे पा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी इस प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हो, चाहे आप देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो। सो गाइज, ये था पूरा पूरी माजरा हमारे इंटरनेट कनेक्शन का, हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन का। सो गाइज, ये था आज का एक कमाल का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो गाइज, मिलता हूँ फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।